भाई को तो एक इंडिया के ऑफिशियल बंदे ने ये तक बोला है कि कुल तक इतना एग्रेसिव स्टेटमेंट्स नहीं दिए हैं अपने इंडिया वाली अथॉरिटीज़ को लेके, एक करण फिटनेस नहीं संभल रहा तुमसे, अगर टीम कुलदीप सिंह यादव पीछे पड़ेगी तो एकदम कम्प्लीटली बॉयकॉट कर दिया जाएगा इंडस्ट्री में। दीप के पास अगर कोचिंग लेता रहेगा तो तुझे नहीं जीतने देंगे। बाकी मैंने राहुल को ये तक बोल दिया, मैं अब ऑन रिकॉर्ड भी बोल रहा हूँ कि भाई अगर ऐसा है तो आप मतलब सच में आप जा सकते हो यार, क्यों बिना फालतू में टाइम ख़राब करना है किसी और कोच के साथ। अगर राम राम भाई, तो यार एक चीज़ शेयर करनी थी, पता चली मतलब काफ़ी देर से थोड़ा लग रहा था कि बता ही देते हैं सबको थोड़ा। तो सबसे पहले तो ये है भाई, ये वसी भाई है, ये पाकिस्तान से है, ये हमारे लिए आज पूरे दो दिन इन्होंने इतनी मेहनत करी सब कुछ, मतलब ये मील से लेके इधर आना जाना सब कुछ इतनी हेल्प करी इन्होंने पूरी। तो ये खड़े थे मेरे साथ जब हम हेड जज से फीडबैक ले रहे थे, वो वीडियो भी मैं डालूंगा कि क्या फीडबैक दिया है, रूफ के साथ सारी बातें करेंगे। तो पहले इनसे पूछो कि एक बंदा आया इनके जजिंग पैनल से, ऑफिशियल बंदा, तो हमें चाइनीज आती नहीं, हमें पता नहीं था, भाई को क्या बोला ये खुद बताएंगे। तो पहले तो बहुत सैड हुआ, अभी तक शौक में इसलिए वीडियो नहीं बनाई, ये पहले बात शेयर कर देनी चाहिए थी बट अभी तक नहीं शेयर की, उसकी वजह यही थी कि हम लोग सैड थे। तो हम लोग जजिंग से ले रहे थे तो पीछे से एक बंदा आया, तो उसने बोला कि वो चाइनीज़ में बात कर रहा था, तो मैं वीडियो बना रहा था लाइव में गया हुआ था, तो मैंने वो फटाफट लाइव बंद की, तो मैंने बोला हाँ, मैंने चाइनीज़ में पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला कि तो ये राहुल है, मैंने कहा हाँ, बोलता है टोक्यो में भी खेला था जापान में, मैंने कहा हाँ, तो उसने बोला कि भाई ये आगे नहीं आ सकता, मैंने बोला वाय, तो उसने बोला कि भाई पीछे से इनको फ़ोन आते हैं कि भाई इस बंदे को आगे नहीं लाना आपने, समझ जाइए जो मर्ज़ी हो जाए इस बंदे को आगे नहीं लाना, तो बोलता है इसी वजह से 3 प्लेस से अभी 4 पे चला गया ये, तो इसको कभी भी आगे नहीं आने देंगे, तो उसको बोलता है कि 2 टाइम्स आया मत कर इधर, तू और कुछ कर ले। तो हमने बोला कि भाई ये बोला किसने, उसने बोला हम नहीं बता सकते क्योंकि ये सीक्रेट है हमारी, हमारा काम है ये, बट हमने इसलिए गाइड किया है कि हमने देखा है, मैंने ये इसकी कंडीशन देखी है, इसका सब कुछ देखा है, टॉप नॉच था और उसको फिर भी पीछे दिखा है, तो इसलिए हमने मैंने समझा कि मैं इसको बता दूं कि अपना इतना हार्ड वर्क ना करे, क्योंकि वो भी एक बॉडी बिल्डर है, वो भी एक जज है, उसको भी पता है कि हमारा जो हार्ड वर्क होता है, तो ये चक्कर है यार। आप देख रहे हो किस लेवल तक, मतलब अपने इंडिया में स्पोर्ट्स में इवन बॉडी बिल्डिंग में किस लेवल तक पॉलिटिक्स चलती है। राहुल अगर जीत जाएगा तो बाकी सारे एथलीट भी मोटिवेट होंगे बाहर खेलने के लिए, पिछला शो इनका इंडिया में फ्लॉप रहा, तो ये चाहते हैं कि राहुल किसी भी हालत में ना जीते। बाकी आप सभी को पता ही है कि भाई कितना इमोशनली डिस्टर्ब था वो, उसके सगे छोटे भाई की डेथ हो गई थी, ये मैंने सबको बताया। इनसे पूछो, वो मेरे घर पे बैठ के वो बंदा रोया है 3 घंटे लगातार, हम लोग चुप थे, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते थे, इसीलिए मैंने ये स्टेटस लगाया था कि पता नहीं खेल पाएंगे या नहीं, लेकिन मैंने कन्विंस किया उसको, इतना सब होने के बाद भी इतनी अच्छी फॉर्म लेके वो स्टेज पे उतरा, आपने देखा होगा। और फिर इन सब चीज़ों के चलते अगर एथलीट को हार का सामना करना पड़े तो आप लोग बताइए क्या सोल्यूशन है यार इस चीज़ का। जज का फीडबैक मैं वीडियो डालूंगा क्या था कि राहुल को एब्स चाहिए और क्लियर, जो लोग जीते हैं उनकी कंडीशनिंग और राहुल की कंडीशनिंग आप देख लेना क्या कितना डिफरेंस था यार। इतना आइडिया तो हमें भी है, हम मान लो 10 साल से टाइम ख़राब थोड़ी कर रहे हैं कि केवल जज को ही पता है जजिंग, हमें किसी को कुछ ऐसा भी नहीं है कि हम हर बार कंप्लेन करते हैं। दुबई वाले शो में 7th-8th place मिली थी तो हमने बोला कि हाँ 9th place है कि ठीक है भाई, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग एथलीट बहुत तगड़े तगड़े थे डिजर्विंग। यहाँ तो आपने देखा होगा जापान में भी और यहाँ भी जो हुआ और वो क्यों हो रहा है आपको पता लगा कि राहुल भाई को तो एक इंडिया के ऑफिशियल बंदे ने ये तक बोला है कि कुल तक इतना एग्रेसिव स्टेटमेंट्स नहीं दिए हैं अपने इंडिया वाली अथॉरिटीज़ को लेके, लेकिन उनके लिए एक वार्निंग है कि भाई सुधर जाओ, एक करण फिटनेस नहीं संभल रहा तुमसे, अगर टीम कुलदीप सिंह यादव पीछे पड़ेगी तो एकदम कम्प्लीटली
बॉयकॉट कर दिया जाएगा इंडस्ट्री में। राहुल ने क्या बिगाड़ा है यार तुम्हारा, अगर कोई कोई भी दुश्मनी है पर्सनल मेरी, मुझसे ही निकालो ना। एथलीट्स के साथ गलत मत करो। मैंने तो वैसे भी कोचिंग छोड़ दी थी, अगर लगता है कि कोचिंग से मेरा घर चल रहा है ये आपकी गलत फहमी है। मैं कोचिंग बस पैशन को लेके करता हूँ, फिटनेस वैसे ही। जितने एथलीट्स बहुत सारे कोचिज गलत उनसे फीस लेते हैं, गलत सामान दे देते हैं, ओवर यूज कराते हैं चीज़ों का, हेल्थ ख़राब कर देते हैं, तो ताकि उनके साथ ये चीज़ें ना हो, कुछ लोगों को मैं भी ट्रेन करता रहता हूँ, सिखाता हूँ उनको। ट्रेनिंग देने से ज़्यादा मैं उनको सिखाता हूँ। तो राहुल को ये तक बोल दिया, मैं अब फोन रिकॉर्ड भी बोल रहा हूँ कि भाई अगर ऐसा है तो आप मतलब सच में आप जा सकते हो यार, क्यों बिना फालतू में टाइम ख़राब करना है किसी और कोच के साथ। अगर ऐसे होता है कि भाई वो पीछा छोड़ देंगे मुझे लेके, तो आप जा सकते हो, लेकिन मुझे पता है वो जाएगा नहीं। मैंने बोला तो यही बोला, कोई दिक्कत नहीं है भैया साथ। अगर तानाशाही करोगे तो नहीं चलेगी दुकान लंबी, क्योंकि जिस दिन अगर कोई सेलिब्रिटी या बिजनेसमैन, कोई पैसे वाला बंदा सोच लेगा कि इनको हटाना है, तो आपको बहुत आराम से हटा देगा। जिस दिन प्राइज मनी वाले कंपटीशन मीडिया चैनल कवरेज देने लगे, जैसे कि प्रो पंजा लीग वगैरह है, इस टाइप से अगर बॉडी बिल्डिंग में कुछ होता है आपकी दुकान बंद हो जाएगी। और मजबूर मत करो ऑडियंस को, एथलीट को, कि वो बॉयकॉट कर दे आपका। IBBF में दोबारा से लोग क्यों जाने लग गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ हो रहा है सबको दिखता है। तो एथलीट के साथ कम से कम फेयर जजमेंट, फेयर डिसीजन लिए जाए, ये एक एथलीट सबसे ज़्यादा जो उम्मीद करता है जजिंग पैनल से वो यही है। बाकी आप सब लोग समझदार हो, खुद आप देख के अंदाज़ा लगा लो कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है। सीधा सीधा कॉल जाता है राहुल के लिए हर बार, कि इसको जीतने नहीं देना है बस।